नमस्कार, मैं हूं आत्री विश्वास रॉय। दुर्गा पूजा की धूम पूरे देश भर में फैली हुई है और इसे लेकर लोगों का एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। पूरे देश में नए और एक्साइटिंग पंडाल के कॉन्सेप्ट देखे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दुर्गा पूजा मनाया भी जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हर स्टेट में बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 स्टेट्स में जो स्टेट सबसे ज्यादा इस साल हाइलाइटेड है अपने यूनिक और भव्य पूजा पंडाल के लिए, वो है हमारा त्रिपुरा। आज मैं आपको त्रिपुरा के टॉप पूजा पंडाल की सैर कराने वाली हूँ और खुद भी आपके साथ साथ इन पूजा पंडालों को देखकर अपना रिएक्शन जरूर देने वाली हूँ। त्रिपुरा में जो पंडाल इस वक्त सबसे ज्यादा छाया हुआ है वो है देश बंधु चित्रंजन क्लब का बुर्ज खलीफा पूजा पंडाल। यूं तो दुबई के बुर्ज खलीफा को बनने में 6 साल लग गए थे, लेकिन त्रिपुरा का बुर्ज खलीफा 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गया। इस बेहतरीन पूजा पंडाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ फिलहाल उमड़ रही है। त्रिपुरा के बुर्ज खलीफा की चर्चा पूरे देश में है। इतने बेहतरीन तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है कि लोगों की भीड़ इस पूजा पंडाल में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। बेहतरीन लाइटिंग का कमाल और कारीगरों की कलाकारी आश्चर्यचकित करने वाली है। पंडाल के अंदर जाने पर माँ दुर्गा की मूर्ति भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। बुर्ज खलीफा पंडाल के बाद आप त्रिपुरा के मीनाक्षी मदुरई टेम्पल की तर्ज पर बने पूजा पंडाल को जरूर देखना चाहेंगे। वर्ल्ड फेमस मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है और जिनके पति भगवान शिव है। जो बात इस मंदिर को औरों से अलग बनाती है वो ये है कि देवी और देवता दोनों की यहाँ पर एक साथ पूजा की जाती है। त्रिपुरा के इस पूजा पंडाल को एक भव्य रूप दिया गया है और बिल्कुल तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल जैसा ही नजारा सामने दिखता है। साउथ की स्टाइल में कारीगरों ने मंदिरों की सजावट की है और नक्काशी को भी हूबहू उतार दिया है। इस पूजा पंडाल को देखकर आपको लगेगा जैसे कि आप सचमुच तमिलनाडु के ही मंदिर पहुंच गए हैं। भारत रत्न संघ क्लब बाजार में ये पूजा पंडाल आपके इंतजार में है, जाइएगा जरूर। अगरतला के प्रतापगढ़ में सोमनाथ मंदिर के जैसा पूजा पंडाल बनाया गया है। देखने में बिल्कुल गुजरात के मंदिर जैसा ही डिजाइन है। इतना बेहतरीन कि किसी का भी दिल इस पूजा पंडाल की ओर खींचा चला जाएगा। सुंदर और मनमोहक लाइटिंग के साथ ही बेहतरीन कलाकृति आपका मन खुश कर देगी। राम ठाकुर संघ दुर्गा पूजा समिति ने इस पूजा पंडाल को बनाया है और लोगों की भारी भीड़ इस पंडाल में देखने के लिए उमड़ रही है। शिवनगर मॉडर्न क्लब दुर्गा पूजा ने बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल की थीम पर पूजा पंडाल बनाया है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। इस पूजा पंडाल में भी लोगों की काफी भीड़ है। हर कोई माता के दर्शन और पंडाल की खूबसूरती देखने के लिए बेताब है। ये पूजा पंडाल रोशनी से जगमगा रहा है और इस खूबसूरत पंडाल के दर्शन के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक पूजा पंडाल जो मुझे सबसे हटकर और अलग सोच पर बेस्ड लगी वो है त्रिपुरा के ढालेश्वर का आजाद हिंद संघ पूजा पंडाल। अंडमान निकोबार आइलैंड के दुर्लभ ट्राइब के थीम पर बेस्ड ये पूजा पंडाल बना है। इस क्लब के मेंबर्स का कहना है कि अंडमान का ये ट्राइब जल्दी ही एक्सटेंट होने की कगार पर है, इसीलिए उनकी लाइफस्टाइल पर बेस्ड ये पूजा पंडाल बनाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार अगरतला पूरे इंडिया में छाया हुआ है अपने यूनिक पूजा पंडालों के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। क्या आप भी पूजा पंडाल घूम रहे हैं और आपका फेवरेट पूजा पंडाल इस बार कौन सा रहा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी जान सके कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल रिप्रेजेंटिंग इंडिया से जरूर जुड़िए सब्सक्राइब करके। नमस्कार।